गाइस वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एमएससी कर रहा है एंड आगे जाके एमएससी के बाद रिसर्च करियर में इंटरेस्टेड है। तो उन्हीं सब स्टूडेंट को फोकस करते हुए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड अगर आप एक ऐसा कैंडिडेट हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे जाके आप लोगों के साथ कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा जो टाइम बाय टाइम आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर सकता है। देखो, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी के साथ ये तो पॉसिबल नहीं कि आप रिसर्च फील्ड में भी, मतलब जो काम होता है उसके ऊपर भी एटलीस्ट 1% भी एफर्ट डालो, ये बेसिकली पॉसिबल है ही नहीं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो मे बी आपके लिए सूटेबल हो सकता है। देखो, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना है नेट गेट या फिर NBHM, इसमें से एटलीस्ट एक भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करके रखना है, सो दैट आगे जाके इसकी मदद से आप जो फुल टाइम एज ए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के तौर पे PhD सिस्टम में एनरोल हो पाओ, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, उस दौरान आपको बेसिकली काम क्या करना है, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज़ आप कौन से सेक्शन में काम करना चाहते हो, वो फाइंड आउट करना है। दैट इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है जिसका प्योर सेक्शन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है बट डिसाइड नहीं कर पाता है कि प्योर में एग्जैक्टली कौन सी टॉपिक में उसको जाना है, क्योंकि प्योर में तो बहुत सारे पार्ट्स आता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ गया, उसके बाद फिक्स पॉइंट थ्योरी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा पार्ट्स आ गया, उसके बाद टॉपोलॉजी है एंड नया नया और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डे बाई डे इंक्लूड हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करेंटली जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखना है कि कौन सी टॉपिक्स में ज़्यादा काम हो रहा है एंड कैसे वो अप्रोच हो रहा है काम की तरफ, क्योंकि वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होता है आगे जाके। एंड ऊपर से नंबर थ्योरी भी है अगर आप प्योर में इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप अप्लाइड सेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आपको देखना है कि अप्लाइड का जो भी बर्निंग टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल CFD मैं ले लिया, CFD में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, या फिर मैथ बायो ले लिया, तो वो भी देखना है कि कौन सी एरिया में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन सी है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है। मतलब अभी जो करंट एज चल रहा है, करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है पेपर्स, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे जाके फाइंड आउट करना है कि कौन सी एरिया की कौन सी पेपर्स हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। बट अभी तो आपके हाथ में गूगल है एंड गूगल से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हो तो गूगल स्कॉलर। यस, अगर आप गूगल में जाओगे एंड एक टॉपिक का नाम लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने प्लेंटी ऑफ थिंग्स आ जाएगा, बट उससे बेटर ये है कि आप गूगल में जाके गूगल स्कॉलर टाइप करो तो आपके सामने आ जाएगा, मतलब एक विंडो ओपन हो जाएगा जो मैं आगे जाके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी, तो वो गूगल स्कॉलर ओपन हो जाएगा। अभी गूगल स्कॉलर में आपको कीवर्ड्स टाइप करना है, फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि इंटीग्रल इक्वेशन के साथ से फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी को मिक्स करके क्या काम हो रहा है या फिर अभी तक क्या काम हो गया है, तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल स्कॉलर में जाके टाइप करना है कि दो कीवर्ड टाइप करो, इंटीग्रल इक्वेशन विथ फिक्स पॉइंट थ्योरी, तो आपके सामने वो पूरा लिस्ट आ जाएगा जो अभी तक जितना भी काम हुआ है स्टार्टिंग से लेके 2020 का लेटेस्ट वर्क तक भी आपके सामने आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद जिस उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी काम हुआ है इस टॉपिक को रिलेटेड तो आपके सामने आ जाएगा एंड आप देख सकते हो। बट एज ए बिगिनर स्टूडेंट, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक पेपर को स्टडी करना, रिसर्च पेपर को स्टडी करना। इनफैक्ट हम लोग जो रिसर्च फील्ड में है तो उनके लिए भी कोई भी एक पर्टिकुलर पेपर फर्स्ट ग्लैंस में या फिर एक दो रीडिंग में उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेसिकली आपको करना है क्या है, पेपर देखो, पेपर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्रॉब्लम की तरफ कैसे अप्रोच होता है, वो पेपर को बार बार स्टडी करने से आपको पता चलेगा। मान लो एक पेपर या फिर दो पेपर आपने देख लिया तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक पेपर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो ये सब देखो, वो आगे जाके आपका जो भी एमएससी का प्रोजेक्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड पेपर कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड पेपर में पहले क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है,
उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रिलिमिनरीज है, देन आपका जो भी प्रपोजल है, जो आप वर्क कर रहे हो, आपका मेथोडोलॉजी क्या है वो आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है, फाइनली रेफरेंस देना होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप पेपर स्टडी करोगे थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद आपके दिमाग में आइडियाज़ भी आने लगेंगे जब आप ह्यूज नंबर ऑफ पेपर स्टडी कर लोगे। एंड फाइनली यही सब करने के बाद आपका क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज करता है। एंड फाइनली एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है कि आपके जर्नल कौन सी है, दैट इज आपका जो भी पेपर है कौन सी जर्नल में पब्लिश हुआ है, ये अल्टीमेटली मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये सब टाइम बाई टाइम आप फेस करोगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका बर्निंग टॉपिक आप देखो कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक में काम हो रहा है, ये सब देख के एटलीस्ट आप अंदाज़ा लगाओ कि आपको क्या करना क्या है। मतलब टू द पॉइंट तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप रिसर्च फील्ड में एंटर करोगे एंड टाइम बाई टाइम ही आपको पता चलेगा, बट आपको एग्जैक्टली कौन सी टॉपिक में हिट करना है, सो दैट आप अगर इंटरव्यू में जाओ एंड किसी किसी इंस्टीट्यूट में पूछ लेता है कि आपको प्रपोजल देना है, रिसर्च प्रपोजल, एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पूछता भी नहीं है कि प्रपोजल के बारे में, बट एटलीस्ट आपकी गाइड के साथ आप जब कंसल्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में, एंड आगे जाके अभी देखो कि मैं गूगल स्कॉलर में दो एक चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी, वो कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो कंप्लीट तक देखो। एंड ये है गूगल, अभी गूगल में जाके आप टाइप करोगे गूगल स्कॉलर, तो देखो फर्स्ट में जो आया गूगल स्कॉलर ऐसे, अभी इसमें क्लिक करो तो कुछ ऐसा है, एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, गूगल स्कॉलर। अभी इस पर टाइप करो जो भी टॉपिक आपको चाहिए, उस टॉपिक की पेपर, सपोज़ आप टाइप करोगे से न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एनालिसिस, अभी सर्च करो तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया। इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस देखो 1987 का बुक है, उसके बाद ऐसे बुक मिलेगा, उसके बाद और भी बहुत सारे सजेशन गूगल अपनी तरफ से, गूगल स्कॉलर अपनी तरफ से दे देगा। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस फ्लूइड फ्लो, अनस्टडी न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस कन्वेक्शन, पेपर्स हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन, 2001 का बुक है, उसके बाद जो भी पेपर्स है ऑल टाइम का पेपर यहाँ पे मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे जाके ईयर में क्लिक करोगे तो देखो सिंस 2020 मतलब बहुत ही रिसेंट पेपर्स, उससे पहले वाला या फिर 2016 वाला, तो कोई भी आप चूज़ कर लो। से हम लोग लेटेस्ट देखेंगे तो 2020 वाले में क्लिक कर दिया। अभी जो लास्ट पेपर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट जो पेपर है 2020 एल्सेवियर पब्लिकेशन वाला, तो ऐसे भी बहुत सारे पेपर्स हैं, नंबर ऑफ़ पेपर्स। तो आप इसको कोई भी पेपर आपको अगर देखना है तो क्लिक कर दो। कुछ पेपर्स होता है एक्सेसिबल होता है, कुछ एक्सेसिबल नहीं होता है। जो पेपर्स एक्सेसिबल नहीं होता है यहाँ से, दैट इज़ PDF डाउनलोड नहीं होगा जो जो पेपर्स के लिए, उसके लिए भी एक अलग सा एक आप कह सकते हो वेबसाइट है। तो बेसिकली इसका लिंक कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाके हम लोग वो जो PDF है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से कोई एक वीडियो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा, बट ये था बेसिक चीज़, दैट इज़ आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से गूगल स्कॉलर से। उसके बाद आप जाके सिंपली सर्च में क्लिक करोगे तो आपका जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, दैट इज़ रिक्वायर्ड पेपर है, तो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आप बेसिक कुछ पेपर्स देख सकते हो, पेपर का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, फाइन, एंड आप इसको देखो। एंड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो आप इजीली रख सकते हो इस वीडियो के जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके, एंड हेल्पफुल लगे तो ऑब्वियसली इसको शेयर भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।